एआईसीसी के महासचिव जिनका भाषण आप सुन रहे थे, जो असम और मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद सम्मान्य भवन जितेंद्र सिंह जी, नेता प्रतिपक्ष टीका राम जूली जी। अब टीका राम जी को आप बहुत दिनों से जानते हो, मैं भी देख रहा हूँ। जब वो अध्यक्ष थे अच्छा भाषण देते थे, मंत्री बने तो और बढ़िया भाषण देने लग गए, अब नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं तो भाषण बिल्कुल उनका टॉप लेवल का हो गया है। हमारे नौजवान कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार आर्यन जी, हमारे योगेश मिश्रा साहब, भजनलाल जाटव जी, संजना जाटव जी, दानिश अबरार जी, पूर्व मंत्री रघु शर्मा जी, रोहित बोरा साहब, हमारे रूबी कुन्नर जी विधायक, कांतिलाल मीणा जी, दीपचंद खैरिया साहब, ललित यादव जी, मांगीलाल मीणा जी, घनश्याम मेहर साहब, संजना जाटव जी, रमेश खंडेलवाल साहब, गंगावत जी, संदीप यावत जी, विक्रम गुजर साहब, मंच पर सभी जो नेता बैठे, इस सभा में मौजूद सभी बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे भाइयों, कल चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और 13 तारीख को वोट पड़ेंगे। और ये उपचुनाव क्यों हो रहा है, क्या हालात थे, जुबेर साहब के बारे में सब ने अपनी अपनी बात रखी, आप लोग भली बात ही जानते हो। ये चुनाव एक उपचुनाव है और जैसा पूर्व वक्ताओं ने कहा, इस चुनाव से कोई सरकार बदलेगी ऐसा नहीं, लेकिन लोकतंत्र में जरूरी है कि जो भी सरकार हो उसको पता होना चाहिए कि जनता पैनी निगाह रखती है उसके कामों के ऊपर, और तराजू हमेशा बराबर रहना चाहिए। आज जो सरकार बनी है 10-11 महीने पहले, सरकार बनने के बाद जो गठन हुआ, इतने सारे सत्ता के केंद्र हैं, मंत्री विधायकों पर बाबू हावी हैं, मुख्यमंत्री पे मंत्री हावी हैं, मंत्रियों पे उद्योगपति हावी हैं, तो पूरा संगठन और सरकार में जो खिंचाव चल रहा है, जैसा भंवर जीतन सिंह जी बता रहे थे, हकीकत यह है कि 11-12 महीने में जो व्यवस्था बनी हुई थी उसको बेहतर करने की बजाय ये सरकार चला नहीं पा रही। प्रदेश के अंदर उपचुनाव 6-7 जगह हो रहा है और सही कह रहे हैं कि आज दोबारा मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं रामगढ़ में, भाई आप इतनी सत्ता है आपके पास, डबल इंजन है, दिल्ली में है, जयपुर में है, बहुमत है, सारे मंत्री ढेर डाले पड़े हुए हैं, तो क्या जरूरत है मुख्यमंत्री जी को दो दो बार आने की, उनके नाम पे वोट पड़ने चाहिए। लेकिन वो जानते हैं कि यहाँ के लोगों ने जुबैर खान साहब के जीवन में जो एक संबंध बनाया था, आसानी से नहीं बनता है। लोगों के बीच में आप विधायक सांसद बन सकते हो, लेकिन लोगों के बीच में जनता में रहकर जो संबंध बनते हैं, आत्मीयता के संबंध, प्रेम मोहब्बत के संबंध, भाईचारे के संबंध, दुख सुख में भागीदार बनने के संबंध, उसमें कई साल लग जाते हैं और संबंध दोनों तरफ से बनते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ही करता रहूं और आप लोग हमको ना देखो, या जनता ही लाड देती रहे और नेता काम ना करे। तो उन्होंने यहाँ पर रहकर जीते भी हारे भी, और मैं तो जुबैर साहब को बहुत लंबे समय से जानता हूँ, एक बात उनके बारे में, चाहे उनका कोई विरोधी भी हो, वो जानता है कि जुबैर खान जी कांग्रेस पार्टी के लिए पूरी तरह समर्पित थे और हर मजहब के, हर धर्म के लोगों को वो कांग्रेस से जोड़ना चाहते थे। अपनी राजनीति में पूरे क्षेत्र में कांग्रेस ने जहाँ जिम्मेदारी दी उनको, वहाँ पार्टी के लिए काम किया। आज हमारे बीच में नहीं है, और जब विधानसभा में मिलते थे तो मैं अक्सर पूछता भी था, वजन कम हो गया था, तबीयत खराब रहती थी, तो मैंने कहा आप क्यों इतना घूमते फिरते हो रहना, तो कहें सचिन जी मुझसे रहा नहीं जाता, दो दिन के बाद बेचैनी हो जाती है कि मैं कुछ बस लोगों से मिलता रहूं, काम वाम तो होते रहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो हमेशा आपके बीच में रहा हो, संगठन के लिए भी समर्पित हो, और सर्वधर्म संभाव की बात करते हो, सभी धर्म जाति के लोगों को कभी पक्षपात की नजर देखा नहीं उन्होंने, तो ऐसे व्यक्ति हमारे बीच में आज नहीं है, उसका दुख हम सबको है। लेकिन ऊपर वाले को ये मंजूर था कि वो हमारे बीच में आज नहीं रहेंगे, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि कांग्रेस पार्टी ने मंच पर सभी तमाम नेताओं ने मिलकर आर्यन जी को यहाँ से कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार बनाया है, आपके भरोसे पर बनाया है। अब ये आप लोगों को देखना है कि सरकार तो बनी हुई है, सरकार की सेहत पर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक नई शुरुआत होने जा रही है, एक नई राजनीति की, एक नौजवान को मौका मिले काम करने का। और मैं तो इतना बोलना चाहता हूँ इसको कि भाई जनता आपको मौका देगी,
और ये अगर 4 साल आपकी कसौटी पे खरा उतरे तो फिर दोबारा मौका देना, और नहीं होते तो आपका निर्णय। लेकिन एक बार इस चुनाव में कांग्रेस को ताकत देने के लिए जितेंद्र सिंह जी, जो अलवर के यहाँ विकास पुरुष के नाम से जानते हैं, विकास उन्होंने कराया। जी राम जूली जी, पार्टी ने 70 विधायक है लेकिन ऐसे व्यक्ति को नेता प्रतिपक्ष बनाया है जो आपके जिले का है, तो ये आप लोगों के लिए एक मौका है कांग्रेस को और देश और प्रदेश को दिखाने का कि हम सब उन ताकतों के साथ हैं जो देश में लोगों को जोड़ना चाहते हैं। और कांग्रेस पार्टी जब भी चुनाव लड़ती है, हमने जब भी प्रचार किया है, सब नेता मौजूद हैं यहाँ पे, हमने हमेशा किसान, रोजगार, उद्योग, निवेश, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा, इनकी बात की है। ये मंदिर, मस्जिद और मंगलसूत्र छीन लेंगे और गाय भैंस छीन लेंगे, और ये सारी बातें वो लोग बोलते हैं जिनके पास रिपोर्ट कार्ड में कुछ नहीं है। इस देश में जो कानून बने हैं, नरेगा के कानून, रोजगार के कानून, शिक्षा के, खाद्य पूर्ति के कानून, वो सब कांग्रेस ने बनाए हैं। बीजेपी सरकार ने क्या किया है, नोटबंदी करी है इन्होंने, 3 किसान के खिलाफ काले कानून बनाए हैं इन्होंने 10-11 सालों में दिल्ली की सरकार ने, ऐसा कौन सा काम किया मुझे बताइए। वो जुमले और भाषण, और हमेशा चुनाव से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड, वन नेशन वन इलेक्शन, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, इसके अलावा चौथी बात कोई करते नहीं है, क्योंकि इनको मालूम है यही एक पैंतरा है जो बार बार जनता उसको समझ लेती है। अब राम मंदिर की बात करते हैं, अयोध्या में चुनाव हुए, अयोध्या में जहाँ मंदिर का निर्माण हुआ है वहाँ कौन सी पार्टी जीती है, समाजवादी पार्टी जीती है। तो जनता भी समझती है एमपी एमएलए उसको बनाना है, सरकार उसकी बनानी है जो हमारे काम तो आए, हमारी फसल का सही दाम तो हमको मिले। आज पूरे प्रदेश में डीएपी और खाद के क्या हालात है, ब्लैक हो रहा है, माल मिल नहीं रहा, और पुलिस के पहरे में बंटवारा हो रहा है खाद का, डीएपी का। तो जो किसान परेशान है, नौकरी लग नहीं रही, इन लोगों की नींद खोलने के लिए एक मौका हमको मिला है इस उपचुनाव के माध्यम से। इसलिए मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, किसी जाति बिरादरी के हों, कि हम सबको मिलकर, हाथ का निशान है, 13 तारीख बहुत दूर नहीं है, अभी 2 दिन का समय है, आप सबको, ये नौजवान है, अब नौजवान रघु शर्मा के नौजवान कह रहे थे, मैं तो मजाक कर रहा था रघु जी आपसे, नौजवान ये है, लेकिन ये जितने लोग बैठे हैं यहाँ पे, आपको हम सबके कहने पर इसको वोट डालना है, और फिर इसको मौका देके देखो, 4 साल इसको खूब काम करवाओ, आपको लगता हो कि भाई ये काम नहीं कर पा रहा तो फिर आपकी मर्जी 28 में क्या करना, लेकिन इस बार एक चुनाव जिता के भेजो ताकि विधानसभा में वो कमी पूरी हो सके। इस व्यक्ति को, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, अच्छा लड़का है, मैं लंबे समय से जानता हूं, इसको जिता के भेजोगे तो जितने लोग आप मंच पे दिख रहे हैं, जितेंद्र सिंह जी हैं, जूली जी हैं, बोरा जी, सारे सांसद, हम सब मिलकर रामगढ़ की पूरी सेवा करेंगे। और सरकार को पता होना चाहिए कि सिर्फ सरकार बनाने के बाद अपने आप वोट नहीं मिलता, काम भी करना पड़ता है, साल निकल गया और काम कुछ किया नहीं। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, 13 तारीख को भारी मतदान कर दोनों हाथ खड़े कर मुझे बताइए कि 13 तारीख को जिताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।